स्वतंत्रता संग्राम का दौर था और 46 भारतीय सेनानियों को एक अंग्रेज न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। भारतीय सेनानियों की ओर से एक भारतीय वकील केस की पैरवी कर रहे थे। जब कार्रवाई चल रही थी तभी उनका सहायक आता है और उनको एक पत्र देकर चला जाता है। वकील साहब पत्र को पढ़ते हैं और उसे अपने कोट की जेब में रख देते हैं। भोजन अवकाश के समय न्यायाधीश वकील साहब से पूछते हैं कि वह पत्र क्या था, तो वकील साहब बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब देते हुए कहते हैं, यह टेलीग्राम है जिसमें मेरी पत्नी के देहांत का संदेश है। न्यायाधीश ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप केस को वहीं पर छोड़कर क्यों नहीं गए? वकील साहब ने जवाब दिया, सर मेरी पत्नी का जीवन तो मैं नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन हाँ इन 46 लोगों का जीवन मैं केस लड़कर बचा सकता हूं। वकील साहब का जवाब सुनकर न्यायाधीश दंग रह गए। वकील साहब ने केस को लड़ा और वे जीते और उन 46 भारतीय सेनानियों का केस जीतकर उन्होंने उनको जीवन दान प्रदान किया। क्या आप जानते हैं ये वकील साहब कौन थे? ये वकील साहब लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचमुच महान व्यक्ति जिन्होंने अपने स्वार्थ को ना देखा लेकिन 46 लोगों की जान को बचाने को प्राथमिकता दी। बाइबल में भी फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3 और 4 में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मित्रों, क्या आज से हम सिर्फ अपने ही बारे में नहीं लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचने का निर्णय लेंगे?